वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ प्लस टू क्लास। द टॉपिक इज द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। First, we will discuss about the introduction to the modern and contemporary art. As the word itself suggests, modern means today. जैसे modern का मतलब है the time of today, आज का time. Therefore, the art which is done today is modern art. तो जो आज की आर्ट है, जो आज के टाइम की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न आर्ट। इट इज़ द आर्ट दैट नो लॉन्गर फॉलोज द ट्रेडिशनल स्टाइल्स एंड वैल्यूज एंड पर्टिकुलरली रेफर्स टू द आर्ट दैट वॉज क्रिएटेड बिटवीन द लेट 19th एंड द लेट 20th सेंचुरीज। तो ये जो मॉडर्न आर्ट का पीरियड है वो है लेट 19th सेंचुरी से लेके लेट 20th सेंचुरी तक का पीरियड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि मॉडर्न आर्ट के अंडर आता है। अनदर टर्म विच इज ऑल्सो यूज इन द सेम कंटेक्सट इज कंटेम्प्रेरी आर्ट विच ब्रॉडली इंक्लूड्स ऑल द आर्टिस्ट्स एंड ग्रुप्स लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम अराउंड द वर्ल्ड। और इसी से रिलेटेड एक और टर्म यूज की जाती है, जो के है कंटेम्प्रेरी आर्ट। कंटेम्प्रेरी आर्ट है जो उसमें सारे के सारे आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड होते हैं जो उस टाइम में हुए थे, लेट 19th टू लेट 20th सेंचुरी। व्हाइल स्टडिंग आर्ट वी जनरली फॉलो द कोर्स ऑफ आर्ट इन सीक्वेंस ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स। तो जब हम आर्ट की स्टडी करते हैं तो उसमें आर्ट को इन तीन स्टेप्स में स्टडी करते हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स। एक कैटेगरी आती है पेंटिंग्स की, एक आती है स्कल्पचर्स की और एक ग्राफिक्स आर्ट। ग्राफिक्स इज अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट इन द कंपैरिजन टू द अदर टू। ग्राफिक्स हैं जो वो अदर टू के कंपैरिजन में रीसेंट डेवलपमेंट है, रीसेंटली डेवलप हुए हैं। फर्स्टली द इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी इन द 19th सेंचुरी ड्रास्टिकली अफेक्टेड द विजुअल आर्ट्स एंड लेटर इन 21st सेंचुरी व्हेन कंप्यूटर एंटर्ड द फील्ड द ऑप्शन इन क्रिएटिविटी इंक्रीज्ड बाय मैनी फोल्ड्स। तो जब 19th सेंचुरी में फोटोग्राफी की इन्वेंशन हुई तो विजुअल आर्ट काफ़ी अफेक्ट हुई, और उसके बाद जब 21st सेंचुरी में कंप्यूटर एंटर हुआ इस फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, तो तब भी काफ़ी वेज में उसमें क्रिएटिविटी इंक्रीज हो गई। आर्ट इन द मीनवाइल प्रोग्रेस्ड ग्रेजुअली फ्रॉम अ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो आर्ट की जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेस हुई है आर्ट की, वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हुई है। व्हाट अ कैमरा कुड कैप्चर इन द क्लिक ऑफ अ बटन एंड कंप्यूटर कुड क्रिएट बाय इट्स स्पेशल इफेक्ट्स नो लॉन्गर इंस्पायर्ड द आर्टिस्ट्स एज देयर सब्जेक्ट्स। कि जो एक कैमरा एक क्लिक में ही कैप्चर कर सकता है किसी सीन को, और कंप्यूटर उसको स्पेशल इफेक्ट्स दे सकता है, वो दूसरी आर्ट में, जो फिजिकल आर्ट में, पॉसिबल नहीं थे। Therefore, in response to the new developments, the artist started painting for his own pleasure and satisfaction. तो उसके बाद जो न्यू डिवेलपमेंट्स के बाद, इन ग्राफिक डिवेलपमेंट के बाद या कंप्यूटर की एंट्री के बाद इस फील्ड में, आर्टिस्ट अपनी प्लेजर के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आर्ट और पेंटिंग करते रहे। He did not care for the desire
or liking of others and gave a new form to the living or visible objects by his own imagination. तो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी कंटिन्यू की और विजिबल ऑब्जेक्ट्स को और कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट को अपनी इमेजिनेशन से एक न्यू फॉर्म दी, एक न्यू लुक दी. ही नाउ रिप्रेजेंट्स नेचर एंड लाइफ बाय मीन्स ऑफ सेल्फ मेड सिंबल्स विच कुड बी स्टाइलाइज्ड मेटाफिजिकल, दैट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ह्यूमन आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस और एब्स्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे नेचर और लाइफ को सेल्फ मेड सिंबल से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे जिसको स्टाइलाइज्ड किया जा सकता था, मेटाफिजिकल फॉर्म में भी दिखाया जा सकता था और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी दिखाया गया. इन द वेस्ट द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स विद द इंप्रेशनिस्ट्स. इंडियन आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फॉलोड द सेम पैटर्न ऑफ द आर्ट मूवमेंट ऑफ द वेस्ट और द वर्ल्ड इन जनरल. और आर्टिस्ट्स became keen to know about the latest developments in the world of painting and tried to learn impressionism, post-impressionism, expressionism or post-expression, fauvism, realism, pop and op art, etc. had a definite effect on Indian art. जो वेस्ट में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था वो इम्प्रेशनिस्ट के साथ स्टार्ट हुआ था. इम्प्रेशनिस्ट आगे देखते हैं हम इस वीडियो में कि इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या क्या है. इंडियन ने भी आफ्टर इंडिपेंडेंस सेम पैटर्न फॉलो किया जो वर्ल्ड में और वेस्ट में चल रहा था आर्ट मूवमेंट, उसी चीज़ को फॉलो किया. हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को भी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हो रही थी वर्ल्ड में उसमें इंटरेस्ट था और उन्होंने इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और पोस्ट एक्सप्रेशन, फॉविज्म, रियलिज्म, पॉप एंड ऑप आर्ट एट्सेट्रा, इन सारे मूवमेंट्स में जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुई आर्ट के फील्ड में उन सभी को सीखने की कोशिश की. इम्प्रेशनिज्म क्या है? इम्प्रेशनिज्म इज अ 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली स्मॉल थिन येट विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स, ओपन कंपोजिशन, एम्फसाइज ऑन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ लाइट इन इट्स चेंजिंग क्वालिटीज. 19th सेंचुरी का आर्ट मूवमेंट है एक, जिसमें स्मॉल और थिन बट विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स का यूज होता था. 1870s में ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था. 19th सेंचुरी यहाँ पे दिया हुआ है, 1870s में स्टार्ट हुआ था ये. नेक्स्ट एक्सप्रेशनिज्म. एक्सप्रेशनिज्म इज अ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इनिशियली इन पोएट्री एंड पेंटिंग ओरिजिनेटिंग इन जर्मनी एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. ये 20th सेंचुरी के बिगनिंग में स्टार्ट हुआ था जर्मनी में. ये भी एक आर्ट मूवमेंट है. अलग अलग टाइम पे आर्ट में, आर्ट के फील्ड में अलग अलग इन्वेंशंस हुई, अलग अलग चेंजेस आई, उसी को इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म का नाम दिया गया आर्ट में. फॉविज्म. फॉविज्म इज द स्टाइल ऑफ लेस फॉव्स, फ्रेंच फॉर द वाइल्ड बीस्ट्स, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी मॉडर्न आर्टिस्ट्स हुज वर्क्स एम्फसाइज्ड पेंटरली क्वालिटीज एंड स्ट्रॉन्ग कलर ओवर द रिप्रेजेंटेशनल और रियलिस्टिक वैल्यूज रिटेन्ड बाई इम्प्रेशनिज्म. और साथ में जो पॉप एंड ऑप आर्ट है, ऑप आर्ट ऑप्टिकल आर्ट का ये एक शॉर्ट फॉर्म है. ऑप्टिकल आर्ट को ही ऑप आर्ट कहते हैं. ऑप आर्ट है जो वो एक एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में होती है, ब्लैक एंड वाइट के पैटर्न में. तो ब्लैक एंड वाइट का पैटर्न है जो वही ऑप आर्ट है. और जो पॉप आर्ट है वो भी ऐसे ही एक आर्ट मूवमेंट है. आर्ट में एक न्यू आइडियाज़ आए, न्यू आइडियाज़ एमर्ज हुए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में 20th सेंचुरी में.
अराउंड 1950s, तो इसी मूवमेंट ने एक चैलेंज किया था ट्रेडिशनल आर्ट को, ट्रेडिशनल फाइन आर्ट को, और उसमें काफ़ी चेंजेस आई थी इस मूवमेंट के बाद। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिस्ट ऑफ रेप्यूट बिगैन विद द वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशनल और फिगरेटिव आर्ट और द अदर, देन थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ एलिमिनेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस ही रीच्ड नियर नॉन फिगरेटिव एंड और टोटली नॉन फिगरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट लेवल इन आर्ट। दिस एवोल्यूशन रिजल्टेड ड्यू टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ क्यूबिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक ट्रेंड्स विच एवर ही कुड आइडेंटिफाई विद। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजर मॉडर्न ट्रेंड्स। मेजर मॉडर्न ट्रेंड्स फ्रॉम 1947, लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट्स हैव डेवलप्ड न्यू टेक्निक्स इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटी। तो 1947 के बाद लिटरेचर में, साइंस में और आर्ट के फील्ड में काफ़ी न्यू टेक्निक्स की डेवलपमेंट हुई हर एक ब्रांच में जो भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर इज सेट टू बी द फर्स्ट मैन इन इंडिया टू पेंट इन मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट का फर्स्ट पेंटर रविंद्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है। कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे सिंस द डेज ऑफ रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनिंद्रनाथ टैगोर एंड हिज फॉलोअर्स। तो यहाँ पे इंडियन आर्ट इन आर्टिस्ट के टाइम में ट्रेवल करती है आगे नेक्स्ट लेवल तक। लेट अस क्लासीफाई फॉर द मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्ट सीन। तो देखते हैं आगे कौन से ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है मॉडर्न इंडियन आर्ट को। राज रवि वर्मा वॉज द अर्लीस्ट टू ब्लेंड द इंडियन ट्रेडिशन विद यूरोपियन टेक्निक्स दैट इंक्लूडेड ऑयल पेंट एंड एजल पेंटिंग। ही रिक्रिएटेड द थीम्स ऑफ हिंदू मैथोलॉजी एंड ऑल्सो मेड ऑलियोग्राफ्स, पेंटेड रेप्लिकाज ऑफ हिज वर्क्स, रिजल्टिंग इन अ वाइड स्प्रेड रीच टू द मासेज। द पोर्ट्रियल इज सो ब्रिलियंट दैट वी स्टिल इमेजिन द गॉड्स एंड गॉडेसेस जस्ट लाइक द वंस शोन इन हिज पेंटिंग्स। तो उसने हिंदू मैथोलॉजी के गॉड्स और गॉडेसेस को पेंट किया, तो हम आज भी वही गॉड्स और गॉडेसेस की इमेजिनेशन करते हैं, उसी फॉर्म में करते हैं जिस फॉर्म में राज रवि वर्मा ने दिखाई है अपनी पेंटिंग्स में। देन केम द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी विच ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द बंगाल स्कूल आर्टिस्ट वर द रिवाइवलिस्ट हु ब्रॉट अ रेनेसेंस रिन्यूअल इन द इंडियन आर्ट when it was about to be lost and kept into museums as no longer alive. They brought back the respect to the Indian art which was battered by the Britishers. Abhinindranath Tagore initiated this school which has left a lasting impact on the Indian art scene. The sincere efforts brought international recognition too. When people like E.B. Havell and Lady Haringham joined hands, Gaganendranath Tagore, Nandlal Bose, Vinod Bihari Mukherjee, Mukul Day and Asit Kumar Haldar among others were the main contributors. The Bengal School Art 20th century mein डिवेलप होनी स्टार्ट हुई। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने 20th सेंचुरी में इंडियन आर्ट में एंटर किया और यहाँ की जो आर्ट सिर्फ म्यूजियम्स में रह गई थी
और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट है जो रुक सी गई थी। तो उसके बाद ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उसके बाद यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनिशिएट किया इस स्कूल को, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को, और इंडियन आर्ट को आगे नई डेवलपमेंट तक लेके गए, नई डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके गए। और साथ में इन सभी आर्टिस्ट्स ने उसी वे में उसी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। और विजनरी यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाल विच फोकस्ड ऑन द प्रिजर्वेशन अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर वैल्यूज हेरिटेज एंड रूरल एंड स्टाइल्स। इट ऑल्सो इंक्लूडेड एन आर्ट स्कूल कॉल्ड कला भवन विच फाउंडेड इन 1919। तो यहाँ पे शांति निकेतन यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी बंगाल में, तो वहाँ पे इंडियन कल्चर की वैल्यूज़ की, हेरिटेज और रूरल और स्टाइल्स की काफ़ी डेवलपमेंट आर्ट के फील्ड में वहाँ पे हुई। और यहाँ पे एक कला भवन नाम का एक आर्ट स्कूल भी था जो कि 1919 में बनाया गया था। अमृता शेरगिल, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बंगाल स्कूल आर्टिस्ट, वॉज वन ऑफ द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ वेस्टर्न टेक्निक्स हु डिवेलप्ड न्यू एस्थेटिक इन हर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कल्चर। हर आर्ट क्लियरली कंबाइंड इंडियन एंड पोस्ट इंप्रेशनिस्ट स्टाइल्स, पर्टिकुलरली दैट ऑफ गॉगिन, अ पोस्ट इंप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट ऑफ फ्रांस। शी इज द मोस्ट पॉपुलर फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री टिल डेट। तो अमृता शेरगिल, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जो ये पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई, दिखाई गई है स्क्रीन पे, हल्दी ग्राइंडर्स की, ये अमृता शेरगिल की बनाई हुई पेंटिंग है। यहाँ पे हल्दी ग्राइंड करते हुए लेडीज़ को दिखाया गया है। उसकी आर्ट है जो एक कॉम्बिनेशन है इंडियन और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल का, और मोस्ट पॉपुलर फीमेल आर्टिस्ट है वो कंट्री की आज तक की। Another major change came with the formation of the Calcutta Group of Artists in 1943 against the background of Bengal famine that year which killed thousands of people. The year 1943 was the time of social and political disturbance caused by the effects of World War II and the widespread political and communal violence. The founders of the group were Pradosh Dasgupta, Gopal Ghosh, रैथिन मेहत्रा, सुबो टैगोर एंड प्राण कृष्णा पाल। द फिलोसफी वॉज एंटी नॉस्टैल्जिक, एंटी सेंटिमेंटल, सबवर्सिव, रेबेलियस ऑफ हायरार्कीज। द इवन बिगर rebellious movement of modern painting originated in Bombay shortly after 1947 by the name Progressive Artists Group. तो ये एक न्यू ग्रुप बना 1947 के बाद बॉम्बे में, मॉडर्न पेंटिंग के ही जो मूवमेंट्स चले आ रहे थे उसी की सीरीज में, और नेम था इसका प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। It was formed to escape the limits of both colonial academic art and the nationalist revival of the Bengal school. They wanted to express their originality in a modern style and explored the contemporary international art scene. Its founders were Francis Newton Souza and S.H. Raja, M.F. Hussain and Manishi Day were the early members. They explored a variety of styles including expressionism, cubism and expressionism. Almost all of the major artists of India in the 1950s were associated with the group. Prominent
among them were Akbar, Padmasi, Lakshman Rai, Tyag Mehta, K.H. Era, Jahangir Sabwala, Satish Gujral, V.S. Gaitonde, Krishan Khanna, and Mohan Samant. In 1949, Delhi Shilpi Chakra came into being with founders B.C. Sanyal, Prannath Mago, Kamal Krishna, K.S. Kulkarni, and Dhanraj Bhagat. This group gave a new life to artists who migrated from Pakistan after partition. By their efforts, Delhi and Bombay, which did not have even a single gallery in 1947, were home to several commercial art galleries by the 60s. तो इसी ग्रुप की वजह से ही जो 1947 तक दिल्ली एंड मुंबई में एक भी आर्ट गैलरी नहीं थी, तो सेवरल कमर्शियल आर्ट गैलरीज बन गई 1960s तक। इन 1957 द बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स वाज फॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ एनएस बेंद्रे. Prominent artists of Baroda include Bhupan Khakhar, Ghulam Ahmed Sheikh, Jyoti Bhatt, Vivan Sundaram, and K.G. Subramaniam. Meanwhile, in South India, artistic practices and education were also on a parallel path towards modernism when reputed painter and sculptor D.P. Roy Chaudhary came down from Bengal in Madras. K.C.S. Panikkar formed Cholamandal Artists Community in 1966. तो 1966 में यह Cholamandal Artists Community बनी. All these artists, movements and groups provided the necessary impetus to the art and brought Indian art to the global platform. तो ये सारे आर्टिस्ट, सारे मूवमेंट्स और ग्रुप्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, इन्होंने एक इंडियन आर्ट को एक जो नेसेसरी इम्प्रूवमेंट थी वो प्रोवाइड की और इंडियन आर्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक लेके गए. तो ये थे मेजर मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट. इससे रिलेटेड पेंटिंग्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. फॉर दैट सब्सक्राइब आवर चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.